आदमी अपने आप से भाग सकता है। आदमी किस्मत से है। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। क्या आर्यन की पूरी टीम पर लगा इल्जाम, क्या राम सेतु प्रोजेक्ट होगा बंद। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, राम सेतु नाम से हमें ये पता लगता है कि फिल्म में राम भगवान और वानर सेना के बनाए गए पुल के बारे में बात होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म में अक्षय कुमार यानी आर्यन एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल निभा रहे हैं। आर्यन फिल्म में राम सेतु जो राम भगवान द्वारा बनाया गया था, ये हिंदू मिथ सच है या फिर नहीं, इस पर रिसर्च करता है। आर्यन का ये प्रपोजल पहले कई बार रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन इस बार ये अचानक से अप्रूव हो जाता है, जो कि आर्यन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। जहां एक तरफ आर्यन, जैकलिन और बाकी की टीम रिसर्च में लग जाती है, वहीं दूसरी तरफ नासर जो एक बहुत बड़े और जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट है और जो पहले आर्यन के प्रोफेसर भी हुआ करते थे, उन्हें आर्यन का उससे अलग होकर इतनी जल्दी आगे बढ़ना पसंद नहीं आता है, और इसलिए वो आर्यन के प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी का फायदा उठाते हैं और उसके बारे में कुछ अफवाहें एक इंटरव्यू के जरिए फैला देते हैं। जैसा कि आर्यन का प्रोजेक्ट हेड होना सही नहीं है, क्योंकि वो आर्यन का प्रोफेसर है और अच्छे से जानता है कि आर्यन एक नास्तिक इंसान है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, और जो पहले से ही भगवान में विश्वास नहीं रखता वो कैसे रिसर्च को बिना किसी बायस जजमेंट के साथ कर सकता है, ये सवाल उठाता है। और अगर वो प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा तो उसका भगवान पर विश्वास ना होने का असर उसके रिसर्च के रिजल्ट पर पड़ सकता है। और जैसे ही आर्यन के नास्तिक होने की बात फैलती है, वैसे ही जनता अपने घर से बाहर निकलकर सड़कों पर उतर जाती है और दंगे फसाद होने लग जाते हैं और आर्यन को प्रोजेक्ट से हटाने की मांग की जाती है। इतना ही नहीं, लोग तो उनके ऑफिस तक पहुंच गए और वहां पर अपना गुस्सा जाहिर किया। इन सब का इफेक्ट सिर्फ आर्यन पर नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीम पर पड़ा। पूरी टीम पर इल्जाम लगाया गया, टीम के हर एक सदस्य की पिछली रिसर्च को बाहर निकाला जा रहा था और उसकी सच को तोड़ मोड़ कर ऐसे जनता के सामने पेश किया गया कि सब लोगों को लगने लगा कि राम सेतु प्रोजेक्ट इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। मीडिया हर जगह आर्यन और उसकी टीम को ढूंढने लगी और सवाले पूछने लगी, और बिगड़ते बिगड़ते बात इतनी बढ़ जाती है कि जब आर्यन और जैकलिन कहीं जा रहे थे तो एक आदमी उन पर हमला कर देता है और आर्यन के साथ उसकी हाथापाई हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग उसे अरेस्ट करवाने के पीछे लग जाते हैं। वो अटैकर FIR लिखवा देता है और उसकी गंभीर चोटों की वजह से पुलिस आर्यन को गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे हालात थे कि सारी दुनिया आर्यन के खिलाफ हो गई और फिर राम सेतु रिसर्च प्रोजेक्ट पर भी रोक लग जाती है। आर्यन की टीम उसे जमानत दिलाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसमें भी कई सारी दिक्कतें आती है और ये सब आर्यन का प्रोफेसर नासर ही करवाता है। और फिर नासर जेल में आर्यन से मिलने आता है और कहता है, बोला था ना कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, मैं एक चुटकी में तुम्हारा पूरा करियर बना सकता हूँ और बिगाड़ सकता हूँ। लेकिन आर्यन उस पर गुस्सा ना होके हंसता है और कहता है, प्रोफेसर तुम्हें क्या लगता है मुझे यूँ जेल में डालकर तुम मुझे रोक सकते हो? राम सेतु का सच सबके सामने आएगा और मैं ये सच सबके सामने लेकर आऊंगा, रोक सको तो रोक लो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।